राजश्री नामक एक नगरी हुआ करती थी, जहाँ पर राजा विश्वजीत राज करते थे। उनकी दो बेटियाँ थी जो कि विषकन्या थी, पर उनकी परवरिश साधारण राजकुमारियों की तरह ही हुई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी होती गई। जब वे बड़ी हुई तो उनकी शक्तियाँ भी बढ़ने लगी। उनकी बढ़ती शक्तियों को देख कर राजा को इस बात की चिंता हो गई थी। राजकुमारी सुकन्या और रीति बहुत बड़ी हो गई हैं। महारानी, अब हम क्या करेंगे? उन्हें कभी ना कभी तो ये पता चल ही जाएगा कि वे दोनों एक विषकन्या हैं। देखिए महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, एक विषकन्या की बेटियां विषकन्या ही होती हैं। पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास तो होगा ही। होनी को कौन टाल सकता है महाराज? क्या अब ये दोनों अपनी शक्तियों की मदद से हमारा मकसद पूरा करेंगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये दोनों क्या करेंगी। इनके स्वयंवर की तैयारी भी तो करनी होगी। ये सारी बातें हो ही रही होती हैं कि तभी दोनों राजकुमारियां वहां आ जाती हैं। दोनों अब बहुत बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी, पर दोनों अब तक खुद को आम इंसान ही समझ रही थी। महल के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब को जादुई तालाब कहती थी। उस तालाब के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी, जो कोई भी उस तालाब में खुद को देखता है, ये तालाब उसका असली चेहरा उसे दिखा देता है। ये बात राजा रानी जानते थे, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटियों को उनकी असली जिंदगी के बारे में इसकी मदद से सिखाया जाए। दोनों ने सोचा कि यही ठीक रहेगा। एक दिन दोनों महल के बाहर बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थी, जो उनके साथ वहाँ घूम रही थी। तभी एक शेर वहाँ आ गया। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, दोनों बहुत बुरी तरह डर गई और उठकर भागने लगी। भागते भागते उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये देखकर दासियां दौड़ते हुए राजकुमारियों के पास आती हैं। अरे राजकुमारी उठिए, आप ठीक तो है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? पता नहीं ये शेर कहाँ से आ गया। अरे मर गई मैं तो। पता नहीं कहाँ से आया था ये शेर, किसने खुला छोड़ दिया इसे, यहाँ कौन लाया है इसे, ये किसकी करतूत है, सामने आओ। तभी एक लड़का पीछे से हंसता हुआ आता है और कहने लगता है, राजकुमारी गिर गई, बड़ा मजा आया। मुझ पर हंस रहे हो? ठहरो, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर वो उठती है और हाथ में एक पत्थर उठा लेती है ताकि उसे मार सके, और एकदम से जैसे ही उसे मारने के लिए फेंकती है तो वो तुरंत ही राख बन जाता है। ये देखकर राजकुमारी एकदम चौंक जाती है और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। रीति बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी, वहीं सुकन्या बहुत शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजकुमारी सुकन्या शकील के पास जाती है और बोलती है, माफ करना, मेरी छोटी बहन थोड़ी गुस्सैल है, पर दिल की बुरी नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो राजकुमारी, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर शकील महल के अंदर चला जाता है और राजा के दरबार में अपनी प्रस्तुति देते हुए कहता है, महाराज विश्वजीत और महारानी कलावती को इस सेवक का प्रणाम। शकील, तुम आ गए, क्या खबर लाए हो, बताओ हमें राजकुमारी के बारे में। महारानी, मानना पड़ेगा, छोटी राजकुमारी बहुत तेज है, बड़ी अव्वल दर्जे की आयरा बन सकती है। वो एक विषकन्या की बेटी है, सब तरह के जादू तो उसे जन्म से ही आते हैं। ये कहकर कलावती ने शकील को एक छड़ी दी और एक बड़ा सा आईना जादू से उसके सामने बनाया। ये देखकर शकील कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे महारानी साहिबा। मैं देखना चाहती हूँ कि इन दोनों में से कौन लायक है उस ताज के, विषकन्याओं की अगली रानी बनने के लिए। अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी सच्चाई का पता चले और हम ये तय कर सकें कि अगली रानी दोनों में से कौन बनने के लिए काबिल है। ये तो जरूरी है, और हमें पता लगाना ही है कि कौन सी राजकुमारी हमारी अगली रानी बनेगी। ये कहकर शकील बाहर चला जाता है और राजकुमारियों को परखने के लिए एक योजना बनाता है। वो जादू से पंछी बनाता है और उसे जादुई तालाब में छोड़ देता है। फिर जादुई आईना उसके सामने रखता है ताकि वो उसकी असलियत देख सके। जैसे ही राजकुमारियां बाहर आती हैं, वो तुरंत उस पंछी को पानी में छोड़ देता है, जिससे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो पानी में डूब रहा हो।
इसीलिए वो जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगता है ताकि उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। सुकन्या और रीति दोनों का ध्यान तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है, पर दोनों में बहुत फर्क था। रीति ने देखते ही मुंह बना लिया और कहने लगी, अरे अब ये कमबख्त पंछी यहाँ कहाँ से आ गया? अच्छा है डूब रहा है। ऐसा मत कहो रीति, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो मर जाएगा। पागल हो गई हो? मरता है तो मर जाने दो, तुम्हें बचाना है तो बचाओ, मैं नहीं जाने वाली इसकी मदद करने के लिए। पर मैं उसे मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में बचाऊंगी। इतना कहकर सुकन्या पानी में छलांग लगा देती है और बिना डरे अपनी जान की परवाह करे बगैर उसे बचाने के लिए चली जाती है। आखिरकार वो उसे बचाने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही उस नदी में गिरती है तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है, वो एक विषकन्या बन जाती है। सामने रखा आईना चमकने लगता है और उसके सर पर एक शानदार ताज आईने में दिखाई देने लगता है। तुरंत वो ताज आईने में से निकलकर उसके सर पर पहुंच जाता है और जादुई छड़ी जो कि विषकन्याओं की अगली रानी की थी वो भी उसके हाथ में पहुंच जाती है। वो तालाब अब एक नाग बन जाता है जो उसका सम्मान करते हुए उसे ऊपर बैठा लेता है और ये देखकर कलावती बहुत खुश होती है और सुकन्या को कहती है, अगली रानी अब तुम हो।